नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी कार्यालय में आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अगस्त तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। यही नहीं, गरीब महिलाओं को 1 लाख दिया जाएगा सालाना, और इसके अलावा गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया है और इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। जी हाँ, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अगस्त तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 से 40 लाख सीटें वैकेंट है और 70 लाख सीटें सृजित की जाएगी, और इस तरह 1 करोड़ युवाओं को रोजगार अगस्त तक दिया जाएगा। गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया होगा और गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना दिया जाएगा। तो ये आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र में दावा किया गया है और घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। तो फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नौकरी देने का उनका वादा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है, और युवाओं के बीच तेजस्वी इसकी वजह से आकर्षण का केंद्र बने हैं। अब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है, और इस तरह तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब देखना है कि एनडीए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या कुछ कहा। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं, और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है, जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश के हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार में, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था, 2-4 चीज़ें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि
कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे, तो उसको भी किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी खेल ली थी, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी। लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी, और हाईएस्ट रैंक था डीएसपी लेवल का, तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश, पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त आने वाला, जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए, यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक एक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, यह भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन पाइपलाइन जा रहा जो बिहार का भाग है उसका पार्ट जोड़ दिए और बोल दिए कि पैकेज में आ गया, नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है, बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है अग्निवीर योजना से, ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे। और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे बहाली निकलती थी वैसी ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया, जाति आधारित गन्ना तो कराया तो साथ में हम लोगों ने
आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा जी उधर चले गए हो, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ, हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जिसमें अति पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ण जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का, यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा, उसको हम लोग शेड्यूल लाइन में डालेंगे। अब इस पे मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते, इतने महीने हो गए सरकार में लेकिन अभी भी शेड्यूल लाइन का जिक्र नहीं किया उन्होंने। और आप देखिएगा, इसी वजह से कोई भी कोर्ट चला जाता है और इसी देरी के कारण जानबूझ के विलंब किया गया भाजपा के द्वारा, ताकि कोई ना कोई ये पीछे से कोर्ट में भिजवा करके इस आरक्षण की सीमा को खत्म कर दे। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल लाइन में हम लोग करेंगे। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे, ताकि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो ये ऐसे तो 24 वचन हैं, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बंटवा देंगे, मिलेंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें थी इनमें से हम समझे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखें। तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लेकर के आएंगे। रक्षाबंधन में गरीब बहनों को हम लोग प्रत्येक एक वर्ष 1-1 लाख रुपया हम लोग देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ। साथियों, एक मेरा आग्रह है कि ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे परिवार आपके जो सवाल हो पूछे, क्योंकि ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप एक बात समझिए, कांग्रेस के लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आज हम लोगों ने अपना परिवर्तन पत्र जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेरा मानना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाख पद सृजन जो है किया जा सकता है। कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। पिछले बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा कहां से लाएंगे 10 लाख, देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा, कैसे होगा। तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए भाई, पहली बार। हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लाएगा और आज तो कहते हैं कि हम ही ने किया। अच्छी बात है, आपने क्या, आप मुख्यमंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से सुने। तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है वो केवल रिक्त पदे हैं, और जब हम लोगों ने बिहार में किया था तो 4.5 लाख पदे रिक्त थी, 4.5 लाख। तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये किया है कि हर साल जो है बहुत लोग रिटायर होते हैं, और सुन लीजिए, 10 सालों में मोदी जी ने रेलवे हो या सेना हो, सबसे ज्यादा जो बहालियां निकलती थी, इस बार 10 साल में कितना बहाली निकला, कोई बहाली नहीं निकला। तो हम लोग देखिए, दिल्ली में मैटर्स करता है नंबर, अगर नंबर जनता हमको ताकत देगी, वही तो कह रहे हैं। अरे भाई, आगे हमारे को 24 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं,
24-25 सीट पे झारखंड का भी क्लियर हो जाएगा। बिहार में 23 सीट, झारखंड में 2 सीट हम लोगों की मांग है। लेकिन अगर हम 25 सीट पे भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो 25 एमपी हमारे जीत के जाएंगे तो हम लोग काम करेंगे। यूपीए 1 में हम लोगों ने करके दिखाया। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 2004 में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के बाद, और प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही, तब जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा किया। तो ये हम पे छोड़ दीजिए, जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे उनसे हमने संभव करवाया। अब लोग तो चाहते नौकरियां मिले, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं हर जगह, तो हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हाथ को ही हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। हमारे एमपी जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्हीं एजेंडों पर काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है भाई पत्रकारगण कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो उसकी चिंता आप ना करें, हम सरकार के पार्ट होंगे तो इस काम को कराएंगे। अरे भाई डिप्टी सीएम ही ना थे हम, कौन सा मुख्यमंत्री थे, किए ना सारा मानदेव आंगनबाड़ी का हो, तालमी मरकज का हो, टोला सेवक का हो, विकास मित्र का हो, सबके मानदेव को बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, जाकर के मेरा पत्र पढ़िए 2020 का, जो जो कहे है उसका काम देखिए हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम लोग करें। देश भर में, अरे भाई देश का चुनाव है तो देश भर में हम लोग बिजली दर जो है कर रहे हैं, मतलब कई जगह अलग अलग है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है कई जगह हो सकता है कि रेट अलग अलग हिसाब से है, क्योंकि एक बिजली का दर पूरे देश में लागू नहीं है, लेकिन बिहार में स्पेसिफिक 200 प्रति यूनिट हम लोग जो है बिजली दर जो है हम लोग कर रहे हैं।